हेलो दोस्तों, जय कबूतर। देसी हाई फ्लाइंग पिजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आकाशवाणी खंडागले। दोस्तों आज हम आ चुके हैं मुंबई। मुंबई में नहीं आ चुके दोस्तों, आज हम आ चुके हैं मुंबई के बाहर। मुंबई के बाहर दोस्तों आ चुके हैं हम स्पेशली दोस्तों बदलापुर। बदलापुर ईस्ट में दहीवली गाँव के यहाँ पे। ओके दोस्तों, और दहीवली गाँव में जो स्पेशली दोस्तों वीडियो शूट करने के लिए हम आ चुके हैं दोस्तों गाँव में। और जिनके पास हम आ चुके हैं, जिन्होंने हमें बुलाया हुआ है, बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे कि दोस्तों हमें मुंबई से बाहर आके वीडियो बनाने के लिए बुलाया गया। उनका नाम है दोस्तों निखिल भाई, जो हमारे साथ अवेलेबल है। देखो दोस्तों, हेलो निखिल भाई, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार, कैसे हो तुम्हें? ओके ओके, और ये निखिल भाई के दोस्त है अवेलेबल, उनका नाम है दोस्तों जावेद भाई। देखो दोस्तों, हेलो जावेद भाई, सलाम अलैकुम, कैसे हो? ओके ओके, और ये है अरमान भाई। ये देखो, हेलो अरमान भाई, सलाम अलैकुम, कैसे हो आप? मस्त मस्त। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जो जिनके मतलब माइंड में ये चल रहा था कि अरे आकाश भाई कहाँ गायब हो गए। देसी हाई फ्लाइंग पिजन जो चैनल है, इनके ऊपर वीडियो नहीं आ रही थी हमारी, तो कहाँ गए, क्या हुआ, चैनल बंद हुआ, क्या क्या हुआ? दोस्तों कुछ नहीं, चैनल चालू है। हमने नया चैनल बना चुके हैं जो आकाश माणिक खंडागले के नाम से, आपको डिस्प्ले पे दिखता होगा वो चैनल का लोगो। तो हम कबूतरों की शूट वगैरह और वो चैनल के ऊपर दोस्तों हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। कैट, डॉग, फिश, जितने भी घर पे हम जानवर पालते हैं या बाहर की जंगल में वगैरह भी हम घूमेंगे, सांप वगैरह जो मिले सबके शूट करने के लिए चैनल ओपन कर चुके। तो अभी वो चैनल को हमको आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम अभी फिलहाल के लिए कबूतरों की पूरी वीडियोस उस चैनल के ऊपर हम अपलोड कर रहे हैं। अभी बहुत जल्द दोस्तों देसी हाई फ्लाइंग पिजन चैनल जो है उस पर भी अभी वीडियो आने वाली है कबूतरों के भी, यानी कि दोस्तों आकाशवाणी खंडागले चैनल के ऊपर भी आएगी और प्लस देसी हाई फ्लाइंग पिजन चैनल पे भी वीडियो आने वाली है। दोनों यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको दोनों वीडियो के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं हमारे निखिल भाई के साथ। ये देखो, थैंक यू सो मच जो आपने यहाँ पे बुलाया हमें वीडियो शूट करने के लिए। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप कितने सालों से शौक कर रहे हो? भाई शौक तो बचपन से था। अच्छा, बीच में थोड़ा ड्रॉप हो गया था लॉकडाउन के पहला, पर हम लोग यहाँ पे चोरी हो गया था। ये मेरा पार्टनर है, हम लोग तो बचपन से मतलब चट्टी में, तभी से हम लोग कबूतर पाल रहे। क्या हुआ? थोड़ा दो साल, दो तीन साल पहले हम लोग को चोरी हो गया था, एकदम जीरो हो गया। वापस शौक क्यों लगा, उसका जिम्मेदार आप हो। वैसे मेरे को शौक लगा वापस क्योंकि आपका वीडियो देखने लगा, जैसे जब मेरे को समझ में आपका चैनल लगा कि ये कबूतर आ रहा है, वो कबूतर, कबूतर देखते 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 एक जोड़ा मंगाया, दूसरा मंगा, एक दो करते करते पूरे 40 कबूतर मंगा दिए। क्या भाई, 20-30 हज़ार पूरा कबूतर डाल दिया। अब उसके बाद बच्चे वगैरह निकाल रहा हूँ, ग्रुप डिप में डाल रहा हूँ अपने, चालू है वो सब। क्या बात है, एक नंबर, चलो मस्त। ओके ओके, तो अभी ये टाइम पे आपने मतलब कबूतरों के लिए सेल के लिए भी कबूतर ला चुके हो? हाँ भाई, इस बार सेल के लिए भी कबूतर। क्या बात है, बहुत मस्त। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि स्पेशली जो भाई को अगर पर्सनली यहाँ पे आना है तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। बदलापुर स्टेशन, बदलापुर ईस्ट से कम्प्लीटली दोस्तों 15 मिनट का रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का रास्ता है। ज़्यादा दूर भी नहीं, लंबा भी नहीं है, पास में ही है। शेयरिंग रिक्शा भी चलती है? हाँ भाई, शेयरिंग रिक्शा है, शेयरिंग भी रिक्शा है। 20 रुपीज़? अच्छा, 20 रुपीज़। ओके, एक जन का 20 रुपीज़ है शेयरिंग रिक्शा। क्या बात है, बहुत मस्त। तो कुछ कहना है आपको व्यूअर्स से? कुछ नहीं भाई, सपोर्ट करो हमको भी, आकाश भाई को सपोर्ट करो। मैं भी उनके चैनल देख के ये सब चालू किया है, सेलिंग भी चालू किया था उनके, अभी उनके देख के सेलिंग भी चालू किया। ओके, सेलिंग भी चालू किया, शौक भी उनका ही वापस देख के चालू हुआ। उनको भी सपोर्ट करो, हमको भी सपोर्ट करो, नए मार्केट में आपका सपोर्ट चाहिए बस। नहीं नहीं, जरूर जरूर। और मैं पूछना चाहूँगा कि आपने सेलिंग का मतलब ये माइंड में क्यों आया कि आपको सेल करना चाहिए? व्यूअर्स को कुछ एक बताना चाहोगे? भाई जैसे मैंने बताया कि अपने जो जोड़े कुछ आपका चैनल देख के मतलब अलग अलग एकदम अच्छे अच्छे लोगों से ला, अपन मार्केट बिट के कुछ कलेक्शन लाते नहीं, सब लाएंगे एकदम अच्छे क्वालिटी के। जैसे अपने जावेद भाई, उन्होंने मेरे को बोला ये जोड़ा है भाई 12 घंटा उड़ रहा है, 13 घंटा, जितना पैसा बोलो अपन डालेंगे, अपन जोड़ा लेके उनके अंडे बच्चे बनाएंगे, जोड़े का रिजल्ट 100%। फिर मैं जैसे ग्रुप में डाल रहा हूँ, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं भाई एक बच्चा ने मेरे को और बच्चे चाहिए और बच्चे चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जावेद भाई हम लोग मिलते क्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों के घर पर जाते, पर्सनल कनेक्शन उठाते, यहाँ वैसे लौट के कबूतर नहीं चाहिए अपना, पर्सनल लाते उनके अंडे बच्चे बना के हम लोग सेलिंग कर रहे हैं, मतलब पूरा पर्सनल कनेक्शन है अपना। कोई यहाँ वैसे लाया उन्हें, जितने कबूतर है पूरे 100% उड़ेंगे, नहीं उड़े तो वापस पैसा रिटर्न दे देंगे, अपनी गारंटी हम दोनों मिलकर एकदम गारंटी दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या बात है, मतलब आपका कहना कि मतलब लोग आपके पास जुड़ रहे हैं तो आप चाहते हो कि और हमारे साथ लोग जुड़े, तो वही हिसाब से अभी आपने मतलब और कबूतर लाए। चलो बहुत मस्त। अभी हम बात करते हैं दोस्तों जावेद भाई से। जावेद भाई, तो ये टाइम पे मतलब जैसे कि फर्स्ट टाइम हम मिल चुके हैं, हम खाली कॉल के ऊपर बात करते थे। बराबर बराबर, तो लोगों को मतलब कुछ बताना चाहोगे कि आप कितने सालों से शौक कर रहे हो आप भी, और इनके साथ कब जुड़े? आकाश भाई मैं 2000 से स्टार्ट किया हुआ हूँ, 2 साल, मेरे को 22 साल हो गए कबूतर पाले। क्या बात है, बदलापुर में सबसे पुराना कबूतरबाज हूँ। अच्छा, और ये बच्चे सब छोटे छोटे मेरे पास आते थे,
तब से ये लोग आते थे और इन लोग को भी शौक था मेरे साथ। तो निखिल तो मेरे पास बहुत पहले से आता था, अरमान आता था, ये हमारे मोहल्ले में रहता है। ओके हाँ, मैंने तो बच्चे से जानता है, ये रिश्तेदार भी है। अच्छा, और इनको शौक पहले से, ये मेरे पास आते थे कबूतर के बिंदे, जावेद भाई ये वाला बहुत अच्छा है, जावेद भाई ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा लाया आपने, ये भी कलेक्शन। तो इन लोग को भी लगता था कि ये कबूतर हमको चाहिए। मैं बोलता था भाई ये चीज लोगे तो ये चीज उड़ने वाली है, ये कबूतर रखो। हाँ हाँ, कम रखो लेकिन उड़ने वाली रखो। सही बात है, कम रखो लेकिन दम रखो। हाँ, दम रखो, जो उड़ेगा वही अपने काम का है, जो नहीं उड़ेगा उसको दाना खिला के रख के क्या मतलब है घर में। सही बात है। तो वही निखिल आता था, तो निखिल अभी मुझे भी बहुत सारे कॉल आते थे कि जाते मुझे कुछ अच्छे कबूतर दिला दो यार, कुछ दोस्त लोग है व्हाट्सएप पे, दोस्त लोग हैं ग्रुपों में, दोस्त लोग हैं, वो लोग बोलते हैं जाते यार अच्छे कबूतर कभी भी मिलते नहीं है, उड़ने वाले नहीं मिलते। तो फिर मैंने निखिल को बोला, अरे अपन ही स्टार्ट करेंगे और किसी का अच्छा खेल ही लेंगे, जो पर्सनल वाला शौक रहेगा, जो जिसने एक 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 दो दो कबूतर चार चार कबूतर ज्वाइन करके अपने इधर रखा हुआ घर पे, इसकी नस्ल आगे उड़ेगी, वही कबूतर लाके अभी हम लोग ने सीलिंग के लिए स्टार्ट किए। क्या बात है, मतलब सामने वाला उड़ेगा तो नाम निकलेगा कि बाबा जावेद ने, निखिल ने कुछ कबूतर दिए, तो वही कबूतर लाए हैं और वही कबूतरों की वीडियो आपसे अभी बनवाई है। कुछ सिंगल कबूतर है वो भी डालेंगे, आपको जिसको जो समझना है आप ले लेना, मगर कबूतरों की गारंटी उड़ने ही उड़ना है कबूतर को। क्या बात, क्योंकि वो एक एक पर्सनल कलेक्शन वाले कबूतर मैंने लाए हैं, जो भी लाए। अच्छा, ओके, टोटल कितने कबूतर लेके आ चुके हो? 120 कबूतर है सब मिला के सेल के लिए। हाँ, सेल के लिए। क्या बात, और सबसे सब उड़ेंगे कबूतरों, अच्छा फेल नहीं, अच्छी कबूतर है और पर्सनल कलेक्शन है इससे लाए। अच्छा, क्या बात है, मस्त। कुछ कहना व्यूअर्स से, कुछ आपके दिल के बात, बहुत टाइम से वगैरह कुछ अगर छुपी रही है तो कुछ व्यूअर्स को बताना चाहोगे? बाकी मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि कम रखिए, अच्छे कबूतर रखिए, हर जगह पे लोग पालते हैं कबूतर, अच्छे रखिए और आकाश भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब ज्यादा बढ़ाइए आकाश भाई की, सबसे ज्यादा बढ़ाइए और चैनल इनका सबसे आगे लेके जाइए और सबकी हेल्प करने आते हैं। बोलने में हमारे बोलने में बदलापुर तक आए, हमारे यहाँ पे मुंबई से बदलापुर आए, अंधेरी से हमारे यहाँ पे, और एक फोन मारा तो भाई आकाश भाई पहुंच गए के बोलते हम तुमको टाइम देते अवेलेबल है मैं आता हूँ। तो हमारे लिए इतने दूर से आए ये बड़ी बात है भाई, बदलापुर में तो कौन आएगा, बहुत से लोग तो डिलीवरी लेने हमारे यहाँ कबूतर लेने नहीं आते, बदलापुर नहीं आते, वो बोलते हैं दादर दो, माइंड दो, अंधेरी दो, कहीं भी दो, मगर हमको लाके दो कबूतर। सही बात है, और आकाश भाई अंधेरी से बदलापुर हमारे यहाँ वीडियो बनाने आए। बराबर, मुझे लग रहा था ये बड़ी बात है, टाइम निकाला हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, टाइम इंसान को बहुत जरूरी है, हर इंसान काम धंधे में लगा हुआ रहता है, सब करके शौक करता है। सही बात है, सब करने के बाद इनको तो वीडियो का बहुत ज्यादा एडिटिंग वीडियो ये वो सब काम करना पड़ता है आकाश भाई का, और एक इंसान की नहीं पूरे बॉम्बे वालों की बनाते है, और आउट ऑफ बॉम्बे भी बनाते है, हम तो देखते रहते फॉलो अप करते इनको, जिनकी वीडियो देखते ही देखते, जो भी वीडियो डाली आकाश भाई ने वो कबूतर की वीडियो मैं देखता ही हूँ, और वो कबूतर बहुत अच्छे ही लोगों के शौक करवाते हैं, सेलिंग जिसकी होती है वो तो उनके हिसाब से होती है, लेकिन शौक बहुत अच्छे कबूतर अच्छे कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन, देख के दिल खुश हो जाता है। मस्त है, मस्त है, चलो अच्छा है दोस्तों। वाकई में मैं अंधेरी से बदलापुर, मुझे लगता था कि आधे घंटे का ही सफ़र है शायद से ट्रेन से वगैरह, लेकिन जब मैं बैठा ट्रेन से वगैरह मैं सोचा था कि ट्रेन का भी शूट करूं, देखते अगर जहाँ आता दोस्तों ट्रेन का भी हम शूट करके आपको बता देंगे, सामने ही शो होता रहेगा आपको अगर मैं वीडियो बना लिया तो। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि बदलापुर आने के लिए मुझे लगा नॉर्मली आधा घंटे का सफ़र है, लेकिन नहीं, जैसे कि पता आपने नहीं एक डेढ़ घंटा लगेगा, तो मैं बोला अरे इतना दूर है, वाकई में दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आ गया। एक कहते ना कि मतलब हिल स्टेशन टाइप, एक मतलब हवा पानी वगैरह, एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा वगैरह, नेचुरल बहुत अच्छा लगा यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा है, डोंगर वगैरह बहुत अच्छा लगा, मस्त लोकेशन, बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छा है, और बैक साइड में हमारे यहाँ से नदी बहती है। अच्छा, नदी जो है हमारे यहीं से जाती है, उल्लास नदी। अच्छा, उल्लास नदी भाई बाजू में अपने माथेरान है, माथेरान भी है, भुवनेश्वर आपने सुना होगा, जस्ट अपने पीछे ही, और माथेरान भुवनेश्वर से खाली 20 किलोमीटर अपने यहाँ से माथेरान। हाँ, एक नंबर, और एक दो किलोमीटर पे कुंडेश्वर है, इधर कुंडेश्वर, अच्छा कुंडेश्वर फेमस है, लोग आते हैं। अच्छा, वाटरफॉल, हाँ सही बात है, क्योंकि मैं खुद स्कूल में कॉलेज में था तो मैं खुद आता था करजत वगैरह यहाँ पे घूमने के लिए। हम बात करते हैं अरमान भाई से, तो अरमान भाई आप कितने सालों से शौक कर रहे हो? निखिल भाई के साथ ही शौक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जैसे कि निखिल भाई ने बताया, हाँ बचपन से ही। ओके ओके, कुछ कहना व्यूअर्स से? कुछ नहीं, जो वो बोल दिया हमारे गुरुजी ने। चलो मस्त, देख के तो हमको शौक लग गया। सही बात है,
नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है वाकई में, आप इसी तरह शौक बढ़ाते रहिए, यही कहना चाहूँगा। बदलापुर भी एक, लोगों को लगता है कि बदलापुर एक मतलब नॉर्मल है, वहाँ पे कबूतर प्रेमी नहीं है कोई भी, तो लोगों को लगता है कि शायद से अब ऐसा लोगों को भी पता चलेगा कि बदलापुर में भी लोग बहुत से पालते हैं। नहीं भाई, बदलापुर में बहुत से जन है, कोई सामने आता नहीं है, कोई ग्रुप में शो नहीं करता। हम लोग मतलब कबूतर अपने अपने पाल रहे, अभी धीरे धीरे बदलापुर वाले भी आगे आ रहे, कभी ना कभी हम लोग बाजी टूर्नामेंट खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे बदलापुर में सबसे पहला खेलेंगे, मतलब खेलेंगे एक नंबर। हम लोग धीरे 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 आगे कर रहे हैं। मतलब बदलापुर में टूर्नामेंट बाजी वगैरह होती है कि नहीं होती है? मगर लेकिन हम लोग अभी जितने कबूतरबाजों की है ना, सबकी एक एक टुकड़ी करने वाले हैं एक नंबर। और उसमें से बोलते भाई दो चार पांच कबूतर, पांच का शुरुआत, पांच का उड़ाओ, ट्रॉफी रखो एक छोटी सी, छोटी सी रखो लेकिन उड़ाओ, उड़ाओ हक के सब लोग, सब मिलके उड़ाओ, शॉप करो, शॉप को आगे बढ़ाओ, शॉप के आगे बढ़ाओ। सही बात है, बराबर। सपोज अगर 10 लोग भी अगर है तो 10 लोग है तो सब लोग मिलके एक मीटिंग करेंगे, मतलब मीटिंग और पांच कबूतर की, और ईमानदारी से कोई मतलब बेईमानी वगैरह कुछ नहीं। बहुत अच्छा बात है, बहुत 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 अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे भी सारगांव में टूर्नामेंट वगैरह नहीं होती थी। मैंने खुद ने स्टार्ट किया था अंधेरी ईस्ट में ही, एयरपोर्ट के बाजू में, जो हमारे कबूतर प्रेमी है, जैसे कि अभी बदलापुर में दही वाली, ये दही वाली में जैसे कि 10 लोग पालते, तो उसी तरह हमारे यहाँ पे भी 10 एक लोग पालते, तो हम लोग ने मिल के बातचीत किया और वो लोग भी एग्री हो गए, तो उसमें हमने भी उड़ाए थे। भले कबूतर एक घंटा दो घंटा क्यों ना उड़े, लेकिन कैसा शौक आगे बढ़ता है, तो उसमें भी हमारे यहाँ पे जितने भी लोगों ने उड़ाया, दोपहर दोपहर के एक एक बजे के बाद कबूतर बैठ रहे, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट कभी खेला नहीं, लेकिन कहते हैं ना मतलब अगर कोई एक्साइटमेंट बढ़ती है। अभी वो लोग का कहना है कि अभी हमारे कबूतर 2 बजे बैठे, अब हमको 3 बजे बिठाना है, मतलब एक रिकॉर्ड बढ़ते रहते हैं और बढ़ाने की कोशिश। और हम लोग ने, अरमान भाई ने सोचा है, सही बात लोग करेंगे, अभी छोटी ट्रॉफी रखेंगे, छोटा इनाम रखेंगे, कोई लालच के मतलब हाँ भाई पैसा मेरे को मिलेगा, ट्रॉफी मिले, बदला उनमें अपना नाम होगा, सोचते 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 धीरे धीरे करेंगे आगे का आगे सोचेंगे। अभी लोगों को लगता है मतलब बदलापुर बोले तो लोगों को लगता है कबूतर उड़ता है नहीं उड़ता, जावेद भाई ने अगर कबूतर उड़ाया, मतलब हमारे कबूतर उड़ते सुबह हम लोग 6 बजे, मतलब मैं खुद 6:30 बजे उड़ा दो कबूतर, 2-3, 3:30 बजे तक कबूतर उड़ते। बहुत बहुत उनके पास ऐसे ऐसे कलेक्शन है, बॉर्डर वाला पकड़ो, देसी कलेक्शन पकड़ो, इंडियन जो भी कलेक्शन, सब इनके एकदम टॉप के भाई के 10-10 हजार के ऊपर के जोड़े उनके पास। क्या लोग सोचेंगे क्या बदलापुर में इतना महंगा जोड़ा हो, नहीं लेते हाँ, आओ कभी पर्सनल शॉप करो, मेरा करो, इनका करो, अरमान भाई का करो, आपको लगेगा पूरा बदलापुर घूम के जाओ, आपको बहुत सही लगेगा। सही बात है, शौक ऐसी चीज है कि मतलब पैसे मायने नहीं रखती है। सही बात है, चाहे शौक जमीन पे हो या टेरेस पे हो कहीं पे भी, लेकिन शौक करने वाला बंदा जमीन पे करेगा, पत्रे पे करेगा या टेरेस पे करेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत अलग, अगर नस्ल है अगर वो भी असल, तो पब्लिक ये नहीं सोचेगी कि इसका प्राइस क्या है, जो है उनको अगर दिल को छू गया चीज़ तो ले लेते, क्योंकि मेरी आदत खुद वैसी है, अगर दिल को छू गया तो ले लो, चाहिए तो चाहिए, नहीं तो रात भर नींद नहीं आती है। अपन जितने भी कबूतर शौक वाले देख, बहुत कम रहेंगे जो नशा पानी कर रही है, मतलब ये शौक रहेगा ये तो बहुत कम है, ये तो भाई अपन कभी नहीं, हम दोनों एक साथ ही, इनको मैंने अभी तक कभी देखा नहीं, जितने कबूतर बात देखा अभी तक देखा नहीं, दारू सिगरेट कुछ नहीं भाई, जितना पैसा बच रहा है चलो मादी लाते, जितना पैसा बच रहा है चलो नर लाते, ऐसा रिंग का पैकेट क्यों ना ले ले, पर गंदा काम नहीं, अपना शौक है तो शौक करो, कुछ नशा पानी कुछ नहीं, अपन कुछ नहीं। बहुत सही बात है वाकई में दोस्तों, मैंने भी हमारे यहाँ पे जब टूर्नामेंट उड़ाया था तो मेरा भी नंबर फर्स्ट नंबर लगा था, फर्स्ट प्राइज लगा था, बहुत खुशी एक अलग होती है, ऑफर्स में उड़ाए थे, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि बदलापुर जो है गांव साइड में, तो यहाँ पे ज़्यादातर करके मद्रासी, पंजाबी, मलवाई कबूतर उड़ते, ऐसा है कि हाई फ्लायर भी उड़ते हैं। अच्छा, उल्लासनगर वो सिर्फ मद्रासी पंजाबी रखते थे, पहले वो गिरेबाज रखते थे, अभी उन्होंने मद्रासी पंजाबी रखे और 2 बार उन्होंने फर्स्ट मार चुके हैं। वाओ क्या बात है, अभी ये साल वापस उड़ाएंगे वो, ये अभी ठंडी की गर्मी की उनकी दोनों उड़ाने हैं, दोनों उड़ाने लेकिन इनको अगर वो पसंद नहीं है तो इन्होंने अपनी दिल की चॉइस की रखी, क्योंकि चाहे वो 100 रुपए का कबूतर क्यों ना हो, लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया 89 रुपीज का ही कबूतर इन्होंने खरीदा था, उनका कबूतर का नाम क्या रखा था अपन ने, उन्नासी वाला कल्याण से लिया था, तो उनको अगर कबूतर अगर पसंद आया, अगर उनको हाई फ्लायर पसंद है तो हाई फ्लायर का ही शौक कर रहे, जिस तरह भाई को हाई फ्लायर, अभी इनके बाजू में भी मतलब लो फ्लायर भी कोई ना कोई पालते रहते हैं, शौक भी करते हैं, लेकिन आपको हाई फ्लायर पसंद है तो आपने हाई फ्लायर ही लाया, एक नंबर। चलो मस्त है, तो कुछ कहना है जाते जाते व्यूअर्स को? कुछ नहीं भाई, हम लोग शौक कर रहे, देखो सपोर्ट करो, आकाश भक्त सपोर्ट करिए और सबसे ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए, क्योंकि ये टाइम निकाल के इतने दूर हमारे लिए आए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान का,
और इनको जब बोला कि हमारे यहाँ आइए, हम लोगों ने कबूतर लाए सेलिंग के लिए, तो इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और टाइम निकाल के हमारे यहाँ बदलापुर पहुंचे इतने दूर से। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो टाइम के साथ साथ टाइम का याद आ गया, सॉरी बात काट रहा हूँ दोस्तों, इन्होंने इतना बड़ा टाइम निकाला कि ऑफिस की छुट्टी मार के यहाँ पे आ चुके हैं, मानना पड़ेगा उनका भी काम, वाकई में दुकान छोड़ के आए बेचारे, वाकई वो भी मेरे लिए बंद करके आए। सही बात है भाई, अपने को सपोर्ट के लिए थोड़े बंदे चाहिए, अभी नए नए स्टार्टअप कर रहे हैं, धीरे धीरे और अपने बंदे बढ़ते हैं और कबूतर अपन करेंगे, 101 वैरायटी लाएंगे, बहुत मस्त अच्छी 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 वैरायटी लाते रहेंगे। और मैं कहना चाहूंगा स्पेशल बदलापुर से लेके बदलापुर के आगे और बदलापुर के पीछे और प्लस आउट ऑफ कंट्री भी, मुंबई के बाहर भी, सबको एक ही बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपके यहाँ पे टूर्नामेंट बाजी नहीं उड़ती, अगर चार पांच लोग भी अगर मिलके अगर कबूतर उड़ाते हैं तो आप मीटिंग करो ईमानदारी से, सुबह सुबह 7 बजे जमता है आपको 7 बजे उड़ाओ, 6 बजे जमता है 6 बजे उड़ाओ, किसका कौन से टाइम पे आ रहा है टोटल टाइमिंग, जिसका लास्ट कबूतर जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन पैर से उड़ाओ, इससे कबूतरबाजी कबूतर की मतलब जो शौक है वो आगे बढ़ते रहेगा, यही कहना चाहूँगा, दूसरा कुछ नहीं। बाकी कुछ कहते हैं हम निखिल भाई से, निखिल भाई कुछ कहना है व्यूअर्स से? वही अभी नए कबूतर लाए, शौक करो, अभी देखो जैसे मतलब जोड़े क्या है, यानी सिंगल कबूतर है, जोड़े वाले कबूतर है, खाली यही बोलूँगा कि अभी वापस वही रिपीट कर रहा हूँ कि ये किसी का पर्सनल शौक है, वो सामने वाला क्या है एकदम, उसने जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, यहाँ से मादी ला रहा हूँ, वहाँ से नर ला रहा हूँ, दो महीना मादी रुका के रख रहा हूँ, सेम मादी मिल रही नहीं है मेरे को, नर सेम मिल रहा नहीं, दो महीना कबूतर रुका के अपन जोड़े बनाते हैं, आदमी ने कहा से जोड़ जोड़ के 120 130 जो कबूतर हम लोग ने लाए यहाँ वैसे जोड़ जोड़ के उसका 5-6 साल पुराना उनका सेटअप था, अच्छा। आचरण में थोड़ा प्रॉब्लम है, नाम नहीं शो करेंगे हम लोग, सही बात, कबूतर पूरे के पूरे गारंटी दे रहा हूँ, कोई 12 के पहले अगर बेटा सुबह 6 के पड़क के पूरा पैसा रिटर्न दे दूँगा, क्या पूरा पैसा रिटर्न दे दूँगा, इतना गारंटी दे रहे हैं। जावेद भाई ने मेरे को लॉट ढूंढ के दिया है, बहुत उनको भी एकदम ये करूँगा भाई, जावेद भाई नहीं अच्छी लॉट ढूंढ के दिया है, वही उड़ने वाले कबूतर एकदम भाई उड़ेंगे, उड़ने वाले कबूतर है, सामने वाले को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसलिए उसने मतलब जरूरत में उसने पटाख से उनको पैसे की जरूरत थी तो अपन बोले ठीक है हमको ही दे दो, हमको नया चालू ही करना है, अपनी पहचान की हो, नाम नहीं शो करे हम लोग, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, चलो बहुत मस्त, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह भाई जो है जो मुझे पता है कौन है कोई बात नहीं, लेकिन उनको यही बताना चाहूँगा कि इसी तरह आप इनको सपोर्ट करते रहिए और हमेशा करते रहिए ताकि इनका भी शौक आगे बढ़ते और इनकी वजह से लोगों का भी शौक आगे बढ़ते रहिए। तो ओके दोस्तों, तो कबूतर की वीडियो ये वीडियो में नहीं बताने वाले, बहुत से भाई बोलते रहेंगे अरे क्या टाइम पास क्या बोल वचन कर रहे, चलना वीडियो छोड़ और हमको कबूतर दिखा लोगों की सोच रहेगी। तो दोस्तों कबूतर की वीडियो आने वाले नेक्स्ट पार्ट में, ये थी वीडियो सिर्फ और सिर्फ कमिंग सून और इनकी दिल की बात जो इतने टाइम से इन्होंने छुपा के रखी थी, हम भी वीडियो में आएंगे, हम वीडियो में आके ये बात करेंगे वो बात करेंगे जब भी पूरी दिल की बात बाहर निकल चुकी है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, कोई बात नहीं। तो कुछ ना कुछ छोटा सा भी अगर आपको पॉइंट अगर सीखने को मिला रहेगा या इनकी बातें कुछ अच्छी लगी रही है तो दोस्तों लाइक करो वीडियो में बस, और कमेंट करो कि निखिल भाई कैसे है व्यवहार वगैरह, तो अभी मैं तो इनसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ, इनके बातों से वगैरह तो बहुत अच्छा व्यवहार तो लग रहा है, शायद से अभी अगर इनका व्यवहार और अच्छा रहा तो लोगों को लोग खुद ही इनको बताएंगे कि व्यवहार कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि मुझे भी पर्सनली कॉल आते हैं कि क्या है क्या है, अच्छे ही कबूतर देंगे हमारा ये मतलब आगे लोगों को हम अच्छे ही कबूतर देंगे। देखो भाई पैसा हम लोग थोड़ा खुद का लॉस खा लेंगे पर ऐसा नहीं करेंगे कि भाई नहीं उड़ रहा है फिर भी बोलेंगे उड़ रहा है, मरे तो नहीं बोलूंगा, मादी तो मादी, उड़ेगा तो उड़ेगा, नहीं उड़ेगा तो ये भी बोलूंगा उसमें ब्रीडिंग करके आप बच्चे उड़ा उसका भी गारंटी दूंगा, बहुत मस्त, उड़ाएगा तो उड़ाएगा बोलेगा, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके दोस्तों तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं, तो बहुत जल्द वीडियो आने वाले इनकी सेल की कबूतरों की, तो यही कहना चाहूँगा मैं, अगर आपको इनके सेल की कबूतरों की भी वीडियो देखना है तो दोस्तों सबसे पहले आप जाके सब्सक्राइब करो चैनल, आपको दिखता होगा आकाशवाणी खंडागढ़ के नाम पे, वो चैनल पे कबूतरों की वीडियो आने वाली है और बहुत जल्द ये चैनल पे आने वाली, लेकिन कौन से टाइम पे आएगी कौन से टाइम पे वो थोड़ा जरा सस्पेंस है, थोड़ा कहते ना डायरेक्ट सरप्राइज है, तो अगर पूरी दिल की किताब अगर मैं आपके सामने रख दूँ तो वो सरप्राइज क्या रहेगा, तो इसके लिए वो थोड़ा एक सीक्वेंस है, तो एंड टाइम पे वो डायरेक्ट धमाका फोड़ने वाला हो कौन सा है क्या नहीं, तो अभी कुछ नहीं बोलूँगा मैं। तो ओके दोस्तों तो ये कहना चाहूँगा अगर आपको हमारी वीडियो हमारी बातें कुछ अगर अच्छी लगी हो और बदलापुर में अगर मैं आके अगर आपको अच्छा लग रहा है कि बदलापुर हम आ चुके हैं, जो बदलापुर के व्यूवर्स है जिसको भी अगर शौक की वीडियो भी बनाने हो तो ज़रूर बुलाइए, हम शौक की भी वीडियो बनाएंगे। तो ओके दोस्तों जिस किसी भाई को अगर यहाँ पे भी आना है निखिल भाई के पास जावेद भाई के पास कबूतर देखना है पर्सनल आके या इनको कॉल पे बात करनी जो भी कुछ है, तो इनका मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कुछ आप इनको डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। ओके दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो देखिए नीचे दोस्तों ब्लैक कलर का बटन है, जो लाल कलर का बटन हट चुका है अभी आ चुका है दोस्तों ब्लैक कलर का बटन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे ब्लैक कलर का बटन है आप उसे टच कीजिए, उसके आगे बेल आइकन उसे भी आप टच कीजिए, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे निखिल भाई की सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। ओके दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ओके दोस्तों अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय
जय कबूतर।